अवार्ड तो वैसे भी कोई भी हो हमारे कलाकारों का बहुत बड़ा सम्मान होता है, तो ये जो अवार्ड स्पेशल इसलिए भी इतने साल में दादा साहब पाते हैं नाम लगा हुआ है, और साथ साथ में ये हमारे साथियों के लिए जो नेक्स्ट स्टेज पर चाहे वो कैमरा पर्सन हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे स्पॉट दादा हो हमारे, या टेक्नीशियंस हो, या पोस्ट प्रोडक्शन में जो काम करते हैं, और तमाम रियल हीरो को जो रियल हीरो बना मिल के हर एक रील बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, जो लोगों तक पहुंचती है, जो रियल लगती है, उसके पीछे जान फूकने का काम जो है आत्मा का काम करते हैं ये हमारे टेलीविजन भाई, उनको ये अवार्ड मिला है। तो आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि उनको मिला है बेस्ट अवार्ड दादा साहब फाल्के। हाँ सर, जितने दादा साहब फाल्के अवार्ड होते हैं तो मुझे लगता है सारे के सारे मिल चुके हैं। अब मैं दादा साहब फाल्के से खुद पूछूंगा या तो खुद आगे मुझे बताएंगे कौन सा वाला असली है। देखिए, अवार्ड उसी को मिलता है जिसने अपनी प्रतिभा के जरिए समाज को कुछ बताया है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, तकनीक के माध्यम से हो, या फिर पत्रकारिता के माध्यम से। लेकिन जब हंसाने की बात होती है तो आज हमारे बहुत ही बड़े हंसी के लाल हैं सुनील पाल जी, और जब भी इनका सम्मान होता है तो हमें गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। ज्योति हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के जरिए हिंदुस्तान के फूल को गर्म करने का काम किया है, और मैं एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ, लेकिन जब दादा साहब फाल्के का नाम जुट जाता है किसी भी अवार्ड में तो उसका अस्तित्व भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हालांकि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं जिसमें दादा साहब अवार्ड फाल्के का नाम लिया जाता है, लेकिन सम्मान का मतलब ये होता है कि आप चुपचाप उसे स्वीकार करें, ना कि उस पर विवाद करें। एक बार बहुत से तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई और संस्था को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सच तो ये है कि अवार्ड उसी को मिलता है आज के ज़माने में, सच तो ये है कि आजकल के ज़माने में अवार्ड उसी को मिलता है जिसने अवार्ड के लिए दान दिया हो। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर सुरजीत सिंह और उनकी सभी टीम, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस अवार्ड के दादा साहब फाल्के का नाम ही सिनेमा इंडस्ट्री में फादर ऑफ सिनेमा कहा जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी भी बिहाफ में वो आज मुझे मेरे हाथ में है। और मैं चाहूँगी कि इस तरीके से अवार्ड होते रहें, जो टेक्नीशियंस को भी सम्मान दे रहे हैं, आर्टिस्ट को भी सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड मिलता है, क्योंकि एक अप्रिसिएशन मिलता है आपको, और मेहनत करने की, आगे काम करने की आपके अंदर एक अलग सा जज्बा आता है। तो लोगों को जब हम लोगों को मिलता है तो अच्छा लगता है, उससे और प्रोत्साहन बढ़ता है, और लोगों को भी अच्छा लगता है, उनको रिकॉग्नाइजेशन जाता है कि हमारे किसी कलाकार को अवार्ड मिला है। तो आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहें, बाकी मैं ऐसे ही अच्छा काम करती रहूँ, आप सबकी दुआएँ मेरे साथ रहें। मेरा कौन सा समझ है कि और खुशी तो होती है, लेकिन आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं दूंगा, और सुरजीत सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी यही कार्यक्रम करवाते हैं ताकि हमें। अच्छा, मैं बता देती संजय शास्त्री जी सर हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इनकी जो फिल्म है मन बुद्धि, इसने अभी 7 इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं, और दिल्ली का जो दादा साहब फाल्के है उसमें फिल्म नॉमिनेट हुई है, उसमें फरहान ने अवार्ड दिया। सो आगे बहुत सारे इनके भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप कवर अप करते रहे। और मैं 19 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो 19 साल के बाद वैसे मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन ये दादा साहब फाल्के पहली बार मिला है मुझे। और मैंने 60 फिल्म, 50 सीरीज, 100 म्यूजिक वीडियो, 100 एड फिल्म करने के बाद, 100 फिल्म स्टेज शो करने के बाद आज ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। सो आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई डिजर्व दिस। सो लव यू ऑल। ऑर्गेनाइजर एंड शो डायरेक्टर अनुप कुमार,
तो ये हमने बहुत शॉर्ट टाइम पे ये प्लान किया, इसको अरेंज किया, काफ़ी मुश्किल आई, इससे बड़ी जगह भी देखी थी बट गेट्स की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाई। बट हम चाहते थे कि हम टेक्नीशियन को अवार्ड दें, वॉन्टेड टू फेलिसिटेट टेक्नीशियन रादर देन ऑल आर्टिस्ट। सो दिस वॉज एन आइडिया बैक्ड अप बाय सिद्धि फाउंडेशन और हम सबने मिलकर इसे किया। आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट और बहुत अच्छा मीडिया कवरेज भी हुआ इसके लिए। आज सच में मैं कह रही हूँ, आपको पता है कि मीडिया जानती है कि मैं बोल देती हूँ, है आपको पता है, कह देती हूँ काटना मत, ये भी कह देती हूँ आप लोगों से, और आप लोग वही करते हो, सो उसके लिए पहले बहुत बहुत आभार, है ना। आज जो वाकई दादा साहब फाल्के अवार्ड हुआ है वो परफेक्ट हुआ है, जिनको कोई नहीं जानता, जिसकी वजह से हमने बंगलो बना लिए और वो अभी भी साइकिल पे चल रहे हैं क्योंकि उनको फ्रंट में कभी नहीं लाया। तो आज ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, दादा साहब फाल्के जी को ये वाकई रियल से दिया हुआ अवार्ड है, जिनको भी मिला है आज शायद दादा साहब फाल्के को सुकून से नींद आएगी, जो धज्जियाँ उड़ रही हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड की, बहुत तकलीफ होती है लेकिन जो उनके कर्ता धर्ता है वही उसमें मिले हुए हैं, तो मैं और आप क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ है ना, जिसको प्रॉपर मिलना चाहिए, जो इसका हकदार है, सो सुरजीत को, मैं पूरी टीम को, सर बाजू में खड़े हैं, मतलब इनके लिए मैं सल्यूट करती हूँ और सभी को निवेदन करती हूँ, आप कीजिए, आपकी मर्जी है जो भी, लेकिन जो सम्मानीय व्यक्ति है उसी सम्मानीय व्यक्ति को दीजिए तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब अनादर मत कीजिए और मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं यही आपके माध्यम से उन तक पहुँचेगा इसलिए कह रही हूँ। सबसे बड़ा धन्यवाद आपको और थैंक यू। देखिए दादा साहब फाल्के जी का एक बड़ा नाम है, आज उनके नाम पे लोग बहुत तरह के अवार्ड देते हैं, लेकिन इसको मिलना चाहिए था, जैसे मैडम ने बोला कि पर्दे के पीछे के लोगों को पर्दे पर लाया गया है, यह सच में एक सराहनीय कार्य है और आज यह कार्यक्रम देख के सच में जो हुआ बहुत ही आनंद आया और इसके लिए सिद्धि टेलीविजन पूरी टीम को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मतलब ऐसी बात चल रही थी बहुत दिनों से, ये हुआ कि भाई कर लेते हैं इसके उसके नाम पर क्या करें, जो बॉलीवुड फादर और बॉलीवुड बोला जाता है उन्हीं के नाम पर करें और इस तरीके से करें कि लोग याद रखें, इसलिए ज़्यादातर ये कोशिश हुई है कि जो पर्दे के पीछे है उन लोगों को सम्मान किया गया। देखा कई लोगों को चुना आपने, ऐसे लोग जो इनके नाम ही नहीं थे, ये कैसे कुछ चयन किया आपने? मेन तो वही है ना, देखिए जो भी एक्ट्रेस होता है ज़्यादातर आर्टिस्टों को मिलता है और जिसका नाम है ऑलरेडी उन्हीं को दिया जा रहा है और जिनके वजह से उनका नाम हो रहा है, ये संगीतकार हैं, लिरिक्स राइटर हैं या स्टोरी राइटर हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं, हो सकता है उनकी जो मेहनत का भी पैसा पुराना मिलता हो। तो ये एक कोशिश की गई है कि इस तरीके से लोगों को चुना जाए जो पर्दे के पीछे रहते हैं, जो एक अच्छा काम देते हैं डायरेक्टर के हाथ में, सब ना गाना अच्छा लिखता है तो म्यूजिक अच्छी बनती है, तो उन लोगों को भी सम्मान किया जाए। कुछ हमारे सहयोगी है ना जो हमें स्पॉन्सर किए, तो हम कंपनी से स्पॉन्सर नहीं है, बाकी लोगों से। देखिए मैं कहना चाहूँगा ये अवार्ड हमने बहुत फास्ट प्लान किया, कोई बेचा नहीं गया और इसका नाम हमने दादा साहब फाल्के इसलिए रखा क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो दादा साहब फाल्के के नाम को जानते ही नहीं है, सारे पॉपुलर स्टार्स को जानते हैं, तो यही रीज़न था हमने इसमें दादा साहब फाल्के रखा, कोई पॉपुलरिटी के लिए नहीं था। नाम से कई आयोजन होते हैं, इस बार ये सोचा गया है कि जो है कलाकारों के साथ साथ जो है जो फिल्म लाइन के कामगार हैं, टेक्नीशियन है, जैसे कैमरा इक्विपमेंट हुआ या अदर जो भी है उसमें स्पॉट बॉय हो, उनको भी दिया जाए क्योंकि लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान जो है इन लोगों का भी है इस इंडस्ट्री में, तो सम्मान अगर होना चाहिए तो कलाकारों के साथ जो है इन सबका सम्मान होना चाहिए जो इंडस्ट्री जुड़े हुए लोग हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और आप सब लोग आगे उपस्थित हुए, कम कम बहुत सारे लोगों को सम्मान किया, कोशिश यही है अगले साल जब करें तो और भी लोगों को करें जो जो इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रहे हैं, जिनको लोग भूल जाते हैं, पर्दे पीछे रहते हैं, उनका सम्मान। अभी तो ये जो कार्यक्रम बना है ये 10 से 15 दिन के बीच का बना, तो जितना हम लोग इकट्ठा कर सके, जहाँ जहाँ कॉन्टेक्ट हो गया कि किनको देना चाहिए, अगली बार हम मेहनत करेंगे, हम कम से कम 6 महीने पहले से कि उन लोगों को ले आएँ जो लोग 50 साल 60 साल
40 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जिनको आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, इस बार उनको सम्मान देना। देखो तो कहीं गांव और बिहार वगैरह से वहाँ से भी लेके आए वो आर्टिस्ट जी। जब बताया ना कि जब इस सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया तो बहुत सारे नाम आए, बहुत सारे ऐसे नाम आए जिन्होंने किया बहुत कुछ है इंडस्ट्री में, मगर उनको कोई इस तरह सम्मान मिला नहीं। हम लोग चाहते हैं कि जो चाहे मुंबई में रह रहा है आदमी या बाहर जहाँ से भी इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, उन सबका सम्मान होना चाहिए। और ये एक छोटी सी मुहिम है, आगे इसको एक बड़ा रूप देंगे और बहुत सारे लोगों का अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री में भी जो उन्होंने योगदान दिया है फिल्म लाइन को लेके, उनका भी सम्मान करेंगे।